सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, वह अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महाशिष्य अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो टू द इश्यू 11वें पृष्ठ की 25वीं पंक्ति पर हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए सूत्रों को, मंत्रों को, भाव को, विचारणा को हम ठीक ठीक देख सकें, जान सकें, सीख सकें, समझ सकें, तदनुरूप साधना के द्रुत पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं, कहते हैं महायोगी, एन एब्सोल्यूट सुपर नेचुरल डार्कनेस फॉल्स ऑन मैन समटाइम्स व्हेन ही ड्रॉज नियर टू गॉड एंड आवर अरिव्स when fail all nature's means forced out from the protecting ignorance and flung back on his naked primal need, he at length must cast from him his surface soul and be the ungrabbed entirety within that avar had fallen now on Savitri. कुछ पूर्व के भाव को लेकर हम सरल भाव की ओर आगे चलते हैं। मानव सदैव उत्तेजना में जीने वाला प्राणी है, पैशनेट, विश्राम रहित जीवन की शक्तियां सदैव मन प्राण शरीर को उत्तेजना पूर्ण अव्यवस्थित स्थिति में रहने के लिए बाध्य करती रहती है। कामनाएं, इच्छाएं, भावावेग प्रत्येक क्षण उत्पन्न होते ही जाते हैं और यह ओजस्वी किंतु शीघ्र घबरा जाने वाला मानव सदैव तनाव युक्त स्थिति से गुजरता रहता है। हमारा मन जो विश्व मन का एक अंश है, विश्व मन से आने वाले विचार के प्रवाह को अनियंत्रितता से हमारा मन पकड़ पकड़ कर सदैव बिना किसी क्षण रुके सत्ता को उद्भ्रांत और उद्वेलित बनाए रहता है, तथा प्राण हृदय भाव केंद्र एवं शरीर को उद्भ्रांत उद्वेलित करके अपने साथ जीने के लिए बाध्य कर देता है। किंतु मानव प्रयास के चलते किसी किसी मानव के जीवन में भागवत मुहूर्त का पल आ उपस्थित होता है, जब उसके अंतरात्म पुरुष जागृत हो उठता है। तीव्र अभीप्सा श्रद्धा एवं अपरा प्रकृति की त्रुटिपूर्ण गतियों का निषेध करते करते तब इन भागवत अंश चैत्य पुरुष का प्रकाश सत्ता स्तरों पर पड़े अज्ञान अंधकार को चीर कर उनमें प्रवेश कर शने शने
वृद्धिम गतता से अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगता है, तब मन में बहने वाले अनियंत्रित विचारों के हम साक्षी, दृष्टा, उदासीन बने रहने का अभ्यास करने लगते हैं और इनकी किसी भी क्रिया का कोई प्रत्युत्तर न देते हुए वैराग्य की स्थिति में स्थित होने का प्रयास करते हैं। यह अभ्यास और वैराग्य के चलते कभी कभी यह मन स्वयं को अब विचारों से रहित स्थिति में स्थित करने लगता है। जितना जितना विचार रहित स्थिति बनती जाती है, उतनी उतनी अज्ञानांधकार नाश होकर अंतरात्म पुरुष के ज्ञान का प्रकाश मन में तथा सत्ता के समस्त स्तरों में बढ़ने लगता है और शने शने पूर्ण मन पर प्रकाश युक्त ज्ञान का आत्मशासन स्थापित होने लगता है। तभी ऐसी स्थिति में बढ़ते प्रकाश युक्त ज्ञान का मन पर प्रभाव हमारी सत्ता के अन्य स्तरों पर भी बढ़ने लगता है। मन, प्राण, शरीर, जो प्रारब्ध पूर्व जीवनों में हमने जो जिया है, उसका परिणाम हमको इस जीवन में भी शुरुआत से ही भोगना पड़ता है। तो मन, प्राण, शरीर जो प्रारब्ध सृष्टि सृजन आरंभ से लेकर आए हैं, आज का नहीं है, वो हमारे पूर्व समस्त जीवनों से चला आ रहा है यह प्रारब्ध। सृष्टि सृजन आरंभ से लेकर आए हैं उस रोग, शोक, संत्रास, संताप, जरा, जीर्णता, क्षीणता, मृत्यु के प्रारब्ध को रिक्त करते हुए शुद्धिकरण एवं विकार रहित होने पर स्थिर होकर पूर्णतः अंतरात्म पुरुष के नियंत्रण में संपूर्ण मानव सत्ता आ जाती है। तभी आत्म साक्षात्कार करके परमात्मा के अत्यंत निकट अनजाने ही यह मानव आ निराता है। और व्याप्त आत्म प्रकाश की अलौकिक ज्योति पर एक अंधकार आकर तब सत्ता स्तरों पर छा जाता है। तभी अपरा प्रकृति के प्रभाव से व्याप्त हुए अचित अज्ञानांधकार के अपनी कंचुकी की रक्षिका शक्तिका का उसे अतिक्रमण करना होता है और अतिक्रमण करके परा अपरा प्रकृति के संचालन के समस्त उपाय जब निष्फल हो जाते हैं, तब मुक्त होकर परा चेतना में अपरा प्रकृति अतिक्रमण करके चेतना प्रवेश पा जाती है। निराकार के अलौकिक दिव्य प्रकाश छा जाने से परा प्रवेश पर
निराकार के अलौकिक दिव्य प्रकाश आ जाने से मन निश्चल और नीरव, प्राण क्षोभ रहित शांत, शरीर अचलायमान अवस्था में स्थित हो जाते हैं। तभी तो परमात्मा शक्ति, परालोक की परमात्मा शक्ति, प्रकाश ज्ञान का प्रागट्य हमारी इस धरा पर मानव रूप में संभव हो सकता है। इस प्रकार यह स्थिति मानव को ईश्वर के अत्यंत निकट पहुंचा देती है। ऐसी मुक्त अवस्था में मानव ने जिस स्थिति का स्वप्न भी न देखा हो, ऐसी चेतना की ऊंचाई पर उसकी चेतना ऊर्ध्वारोहण कर ऊपर उठा दी जाती है और अनापेक्षित अद्भुत क्षमताएं अब उसमें दिखाई पड़ने लगती है। अपरा जगत के सामान्य तौर तरीकों की मजबूत पकड़ के अब उस शासन के विफल हो जाने से सामान्य धरा जीवन की सतही व्यक्तित्व से मुक्त होकर उसकी चेतना अपरा प्रकृति अतिक्रमण करके परालोक की चेतना स्पर्श एवं प्रवेश से उन्मुक्त गगन विहारी बनकर परिणाम में आए मन में दिव्य ज्ञान, प्राणों में दिव्य ऊर्जा, हृदय में दिव्य प्रेम तथा शरीर और उसके कोश कोश में दिव्य सौंदर्य के बीज का वपन होने की स्थिति में मानव अब स्थित हो जाता है। किंतु तभी उसकी नग्न आत्मा असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतय अमृतम गमय की मानव की आदिम आवश्यकता में फिर से आत्मा पर आवरणित आत्मनिवसित सत्ता स्तरों के नश्वरता से मुक्ति प्रयास की संसिद्धि करने हेतु उछाल दिया जाता है, क्योंकि सत्ता स्तरों में तो अब भी नश्वरता कायम रहती है। तब अंततः उसे अपनी सत्ता के बाह्य क्रियाकलापों के स्वरूप को काल एवं अपराशासित बने रहने के कारण विवशता से पूर्णतया छोड़ना ही होता है। निर्वाण में चले जाए, मोक्ष में चले जाए, सत्ता स्तर यहीं धरी रह जाए, अपने असली आत्मा के मैं के सम्मुख उसको पूर्णतया अब नग्न बनकर पारदर्शी बनना ही पड़ता है। ऐसा ही ब्रह्म मुहूर्त आज सविता पुत्री सावित्री के सम्मुख भी आकर सहसा प्रकट हुआ था। यह वह दिवस था जब सत्यवान अर्थात धरा के सत्य बाह्याकारित सत्ता को त्याग कर मृत्यु मुख में समा जाना था। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के
दिव्य सूत्रों मंत्रों को आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की चेतना के साथ ऊर्ध्वारोहण करके देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई उनकी दिव्य चेतना से हम निवेदन करें कि इस प्रकट हुए भाव को विचारणा को मंत्र सूत्र की हमारी सत्ता के स्तरों में अब अवतरित कराएं, उचित स्थान प्रदान करा दें, ताकि जब जब साधना के दुरुपद पर हमें इस ज्ञान के विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपद पर हमारा नेतृत्व करे। इसी मनोभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही,